नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं मीको मित्रा में। दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पूरे परिवार के सदस्यों का एक साथ जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाए, मतलब कि एक ही परिवार में जितने बच्चे हैं उनका एक साथ में जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाए। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, पूरा फॉर्म आपको ऑफलाइन जो कि भर के बताऊंगा कैसे ऑफलाइन फॉर्म भरना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरीके से आपको उस फॉर्म को कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद में आपको एक एक करके उसको ऑनलाइन करना होगा। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ कि एक ही परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाए, और वो भी जो एक साल के बाद में जन्मे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाए, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करता हूं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट राशन कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, आवेदनकर्ता के दो फोटो, परिवार का जन आधार कार्ड और दो गवाह, दोनों की फोटो आधार कार्ड होना जरूरी है। और जो गवाह है वो जो बच्चे के जन्म के समय उनकी उम्र जो 18 साल पूरी होना जरूरी है। और बच्चे की जन्म दिनांक संबंधी कोई भी दस्तावेज, बच्चे के जन्म संबंधी कोई भी दस्तावेज होना जरूरी है। बिल्कुल कोई अनपढ़ है जिनका जन्म संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है तो आप साथ में जो कि 50 रुपये का शपथ पत्र भी लगा सकते हैं नोटरी करवाकर, और बच्चे का आधार कार्ड अगर बना हुआ है तो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे का जो क्या प्रोसेस रहेगा कि फॉर्म कैसे भरना है और किस किस के इसके फॉर्म के ऊपर साइन होंगे, और जो मैंने डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो मैंने आपको ये बता दिया है। और ये जो डॉक्यूमेंट है इनकी फोटोकॉपी करके आपको फॉर्म के साथ में लगाना जरूरी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये फॉर्म है और इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर एक टिकट लगेगी, सबसे ऊपर एक टिकट लगेगी जो कि कोर्ट टिकट होती है 2 रुपए की, वो आपको टिकट लगाना है। फिर इस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको तहसील लिख लेना है, आपकी कौन सी तहसील है वो तहसील यहाँ पे आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पर प्रार्थी का नाम, पिताजी का नाम लिखना है या माताजी का नाम लिखना है, जो आवेदन कौन कर रहा है, आवेदनकर्ता का यहाँ पे नाम, उनके पिताजी का नाम, यहाँ पे जाति और यहाँ निवासी, और यहाँ पे तहसील आपको भरनी है। अब यहाँ पर एक एक करके बच्चे का नाम और जन्मतिथि, यहाँ पे एक बच्चे का नाम जन्मतिथि यहाँ भरना है, और जन्म स्थान कौन सा है वो यहाँ भरना है, दूसरे बच्चे का नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान, तीसरे बच्चे का और चौथे बच्चे का, मतलब 4 बच्चों का आप एक साथ में जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं एक ही फॉर्म में। दोस्तों इसमें आपको अलग अलग फॉर्म लाने की कोई जरूरत नहीं, फालतू एक्स्ट्रा कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला पेज है, इस पेज का सिर्फ आपको एक ही प्रिंट निकालना है, और एक ही प्रिंट निकाल के इसको अच्छी तरह से साफ अक्षरों में आपको पढ़ना है, इसमें कांट साट बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यहाँ पे दिनांक डाल देना है, और ये आप भविष्य साइन करवाना है, जो आवेदनकर्ता कौन है, पिता या माता, उनके यहाँ पे साइन करवाना है। इसकी आपको सिर्फ एक प्रिंट निकालना है। अब आता है दूसरा, जो अनुपलब्धता प्रमाण पत्र है, इनके जितने बच्चे हैं उतने प्रिंट इसके निकालने पड़ेंगे। अगर 2 बच्चों का एक साथ बना रहे हैं तो दो प्रिंट निकाले, 4 बच्चों का बना रहे हैं तो चार प्रिंट निकाले, और 3 बच्चों का बना रहे हैं तो 3 प्रिंट इसके निकाले। और जो ये फॉर्मेट है अनुपलब्ध प्रमाण पत्र, इसमें आप इसको अच्छी तरह से पूरा भर लेना है। यहाँ पे ये प्रमाणित किया जाता है कुमारी पुत्र पुत्री के अनुरोध पर स्थानीय क्षेत्र तहसील में, यहाँ पे जिला राज्य का नाम, और यहाँ पे बच्चों का नाम आ जाएगा, और यहाँ पिताजी का नाम, और यहाँ पे ग्राम सेवक जी वीडियो के हस्ताक्षर होंगे। और अगर आप ये खुद भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो वहाँ से वीडियो अधिकारी हैं जो आपके जारी करने अधिकारी वो भर देंगे। और इससे आगे वाला है जो कि ANM के द्वारा भरा जाता है, यहाँ पे ANM के हस्ताक्षर और यहाँ पे सील हो जाएगी। और यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का नाम लिखना है, और यहाँ पे बच्चे का नाम, और यहाँ पिताजी का नाम, जाति और निवासी, और यहाँ पे जन्म दिनांक, और यहाँ पे घर पे हुआ है या अस्पताल में, तो यहाँ पे घर पे हुआ है तो यहाँ पे घर पे टिक करें। तो इस दूसरे पेज के आपको जितने बच्चे हैं उतने प्रिंट आपको निकालने हैं। फिर आगे आता है शपथ पत्र, शपथ पत्र के आपको 2 प्रिंट निकालने हैं। अब यहाँ पर फोटो लगाना है आवेदनकर्ता के, और आवेदनकर्ता का नाम, उनके पिताजी का नाम, फिर यहाँ पे आयु, और यहाँ पे पूर्ण पता बनना है, और लड़का है या लड़की, जो भी लड़का है और लड़की के साथ में क्या संबंध है तो यहाँ पे संबंध आपको लिखना है। पिताजी का या फोटो लगेगा तो पिता लिखना है, माता का लिखना है तो माता लिखना है। तो पिता, माता, भाई, चाचा, मामा, यहाँ पे ठीक है जो भी है वो संबंध आपको यहाँ पे लिखना है। संबंध यहाँ पे लिख सकते हैं कि पिता है, माता है, भाई, चाचा, मामा, जो भी है। श्री, ये है कि श्रीमती, माता का नाम, यहाँ पे उनके बच्चों के माता का नाम आएगा, जो कि लड़के लड़की आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बच्चों के नाम लिखने हैं, 1, 2, 3, 4 बच्चों के नाम, इनकी जन्म दिनांक, और यहाँ पे लिंग, जो पुरुष है या महिला है, जो भी है आप वहाँ पे यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाँव का नाम लिखना है, पूर्ण पता, और यहाँ बच्चे के पिताजी का नाम यहाँ पे आएगा, और बच्ची के जन्म के समय माता पिता का जो पता है वो गांव यहाँ पे लिखना है, और स्थायी पता भी यहाँ पे लिखना है, और
यहाँ पे गांव शहर में जन्म दिया है, तो यहाँ पे गांव का नाम लिख लेना है, कौन से गांव या शहर में जन्म, में जो जन्म दिया है वो लिखना है। और यहाँ पर आप डेट डाल देना, जो इस दिनांक से पूर्व बना हुआ नहीं है वो डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे हस्ताक्षर या अंगूठा के निशान, आपको यहाँ पर हस्ताक्षर अंगूठे का साइन जो यहाँ पे करवाना है, हस्ताक्षर या अंगूठा करवाना है, और यहाँ पर उनका आवेदनकर्ता का नाम आ जाएगा। और यहाँ पर जो होगा साइन वगैरह वो कार्यालय कार्यपाल मजिस्ट्रेट तहसीलदार के यहाँ पे साइन होंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये खाली छोड़ना है डेट, और यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो इसके दो प्रिंट आपको निकालने हैं, दोनों पर सेम आवेदनकर्ता के फोटो लगेंगे, और एक ही जो पिताजी के नाम से भरा जाएगा, तो पिताजी के ऐसे मतलब दो प्रिंट आपको निकाल के सेम टू सेम आपको भरना होगा। फिर बात करते हैं आगे गवाह की। तो गवाह है जो पड़ोसियन है, पड़ोसियन के लिए, और इनके भी दो प्रिंट आपको निकालने हैं, अलग अलग दो गवाह होंगे। और यहाँ पे नाम, उनके पिताजी का नाम, जाति, निवासी, तहसील आपको यहाँ पे भर लेना है। और भरने के बाद में कि मैं ग्राम तहसील का मूल निवासी हूँ, कि मेरे पड़ोसी श्री, उन बच्चों के पिताजी का नाम आएगा, ठीक है, जो आवेदन करता है उनके नाम का, जाति जाट की श्रीमती या पत्नी का नाम, ने दिनांक, ठीक है, यहाँ पे बच्चों का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे जन्म तिथि आ जाएगी, और जन्म यहाँ पे स्थान आ जाएगा। और यहाँ पर जो है गवाह है उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे ये दोनों जगह, और यहाँ पे डेट डाल देना है। तो इस तरीके से दोनों गवाह का ये अलग अलग फॉर्म बनना है, इनके दो प्रिंट आपको निकालने हैं, और इनके आपको दो निकालने हैं जो सेम आवेदनकर्ता के नाम से भरा जाएगा, सेम फोटो लगेगा इस पर। और इसके जो फोटो जो ये प्रिंट है, इनके जितने बच्चे हैं उतने प्रिंट आपको निकालने हैं, और जो पहले वाला पेज है इसका सिर्फ आपको एक पेज निकालना है। यहाँ पर आपको 2 रुपये की जो कोर्ट टिकट है वो आपको लगाना जरूरी है। अभी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे जो वीडियो के अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने के बाद में, ANM के हस्ताक्षर करवाने के बाद में आपको इसको तहसील में लेकर जाना है, और तहसीलदार इनको मतलब वेरीफाई करके साइन करके आपको ये जो एक पेज है ये आपको एक पेज वापस मिलेगा, ये पेज एक आपको मिलेगा। इस पेज को लाकर स्कैन करके, और इनके पिताजी, बच्चों के पिताजी के जो आधार कॉपी उसको भी स्कैन करना है, 50 और 100 KB के बीच में स्कैन करना है। स्कैन करके जितने बच्चे हैं उतनी बार उनके अलग अलग फॉर्म आपको भरना है। ऑनलाइन आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ऑफलाइन फॉर्म एक ही रहेगा। 4 बच्चे हैं तो 4 बार आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, एक एक बच्चे का करके। जैसे पहले बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म कर दिया है आपने, फिर दूसरे बच्चे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे बच्चे का, ऐसे करके 4 बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और उनके जो प्रिंट हैं वो प्रिंट निकाल के, और एक साथ में आपको पेंसिल करके इनको मतलब वीडियो के पास में ले जाना है, और वहां से इनको वेरीफाई करके आपका ई सिग्नेचर करवा के जो जन्म प्रमाण पत्र जारी करवा देना, फिर उसके बाद ऑनलाइन आ जाएगा, उसके बाद आप प्रिंट निकाल के लेमिनेशन करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से पूरे परिवार के सदस्यों का एक साथ जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिगो ई मित्रा चैनल को सपोर्ट करना। और मिगो ई मित्रा संबंधी, अगर ई मित्र संबंधी अगर आप कार्य का मतलब काम करवाना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप ऑनलाइन बिल्कुल घर बैठे भी मिगो ई मित्र संबंधी जितना भी ई मित्र संबंधी कार्य है वो आप करवा सकते हैं, जैसे जन्म, जाति, मूल, विवाह पंजीयन, जो भी ई मित्र संबंधी काम है वो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह सब आप घर बैठे भी हमें, आप कमेंट करके, हमें व्हाट्सएप मैसेज करके भी घर बैठे भी काम करवा सकते हैं। पैन कार्ड है, बहुत सारे ऐसे PM किसान निधि के काम हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, तो आप घर बैठे भी करवा सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करो, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।